समर्पण बहुत ही शांत मन से समर्पण करिए। आराध्य देव शिव स्वरूप स्वामी जी बैठे हुए हैं, इससे कोई हड़बड़ी नहीं। और जो दर्शन कर चुके हैं, माला फूल चढ़ा चुके हैं, जाके खूब छक के प्रसाद लीजिए। एकादशी का इतने व्यंजन बने हैं कि मैं गिना नहीं सकता। आप लोग ले और अपने घर को भी जाकर के एकादशी का पर्व मनाएं। और जाते समय महाप्रसाद के रूप में यथार्थ गीता लेना ना भूलें। यथार्थ गीता का स्टॉल लगा हुआ है हर भक्तों के हाथ में, हर घर में यथार्थ गीता हो। इसके बहुत ही कम मूल्य पे यथार्थ गीता का वितरण हो रहा है। हमारे आराध्य देव शिव स्वरूप स्वामी जी की यह इच्छा है कि सभी भक्तों के घर में यथार्थ गीता हो, हर हाथ में गीता हो। इस उद्देश्य से बहुत ही कम पैसे पे मिल रहा है। और जिसके घर में यथार्थ गीता है, उसके घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत जादू टोना भ्रांतियां तो हो ही नहीं सकती। और माताओं से मेरा विशेष अनुरोध है, और आप लोग बढ़ते भी रहिए भैया, ये जो लोग हैं चढ़ाते जाइए, और माला फूल प्रसाद फेंके नहीं, अपने आराध्य देह के ऊपर फेंका नहीं जाता है, श्रद्धा से समर्पण किया जाता है। आप समर्पण के भाव से उसको चढ़ाइए। और माई लोग धक्का मुक्की न करें, शांत मन से, और अपने आभूषण को भी बचा के रखें। और ये दो छोटे बच्चे जो वहाँ पे बीच में खड़े थे, मोबाइल खींच रहे हैं सफेद, तुम निकलो बेटा, कुछ निकलो, ए निकलो वहाँ से, निकलो वहाँ से, निकलो निकलो वहाँ से। प्रसाद, महाप्रसाद एकादशी का जो भंडारे में बना हुआ है, खूब छक के खाइए। इतने व्यंजन बने हैं कि मैं उसको गिना नहीं सकता, गिनती नहीं है मेरे पास। आप लोग जाकर के उसको लीजिए। ये गुरु भगवान का आदेश है कि जो भी भक्त आया है मेरे दर्शन का पूर्ण लाभ लेने के लिए, वो प्रसाद लेके ही जाए। और आप लोग निकलते जाइए भैया, आप लोग निकलते भी जाइए, सब लोग एक लाइन से, धक्का मुक्की नहीं। और ये जो फोटो वीडियो ले रहे मोबाइल से, उसे मेरा निवेदन है कि इस तरफ आकर के खम्भे के पास से अपना ये फोटो ले। और जो लाइट चला रहे उसे मेरा निवेदन है कि ये किनारे आ जाए। निकलते जाइए भैया, निकलते जाइए आप सब लोग। आश्रम में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए सब लोग महाप्रसाद लेने के बाद, छक के भंडारे का प्रसाद लेने के बाद, गुरु भगवान का जयकारा लगाते हुए अपने अपने घर को भी जाए। आश्रम में रहने की
जगह नहीं है बहुत, इसलिए बहुत भीड़ हो चुकी है। ये गुरु भगवान का आदेश है कि प्रसाद लेने के बाद अपने घर को भी लोग जाएं। और ये फलहार प्रसाद का भंडारा चल रहा है, लगातार चल रहा है, आप लोग जाकर के लीजिए। सुबह से व्रत है, खूब छक के खाइए और जाते समय जोरदार जयकारा गुरु भगवान का लगाते हुए अपने घर को जाकर के एकादशी मनाइए। जगह दे दे आप लोग भैया, ये जो खंभे के पास खड़े हैं निकलने वाले रास्ते पे, उसको थोड़ा सा जगह दे दो, लोग निकलेंगे, भीड़ है ना। जिनके पास छोटा बच्चा है जो सफेद टी शर्ट पहना है, कंधे पर लिए है, उसे मेरा अनुरोध है कि आप किनारे आ जाइए और आकर के इधर से गुरु भगवान का दर्शन करिए। भीड़ से निकलिए, आप खंभे से किनारे आ जाइए और इस साइड से आ जाइए, आके दर्शन करिए जिनके पास छोटा बच्चा है। माई लोग अपने आभूषण को भी बचा के रखें और धक्का मुक्की न करें। जो लोग पंडाल में खड़े हैं, इधर उधर खड़े हैं, अगर वो दर्शन कर लिए हैं तो जाके पंगत चल रहा है, फलहार का भंडारा चल रहा है। पाप करना तो दूर, मन से सोचने पे भी पाप पड़ता है। ये तीर्थ स्थल है, पावन धाम है। ऐसे आप लोग हड़बड़ी में जल्दीबाजी में अपने मोबाइल को भी सुरक्षित रखें। आप आ जाइए छोटा बच्चा लेके, दर दर्शन कर लीजिए। आप आ जाओ, हमको देखें तभी हम माला फूल चढ़ा प्रसाद चढ़ाएं। अरे वो अपने दिव्य दृष्टि से गुरु भगवान देख रहे हैं, आप अपने सांसारिक दृष्टि से ये देख रहे होंगे कि अरे गुरु भगवान देखे तब चढ़ा। ये मंच पर, भव्य मंच पर कहीं भी चढ़ाएंगे तो गुरु भगवान को ही समर्पित होगा, कहीं पर भी रखेंगे वो गुरु भगवान को समर्पित हो रहा है। इसलिए ये न सोचें कि हम देखें गुरु भगवान मेरे तभी हम चढ़ाएं। आप वो अपने जो आप घर से संकल्प लेके निकले तो गुरु भगवान को पकड़ लिए आपके संकल्प को, आप दबाइए मत भाई, पीछे से ही करते जाइए। मैं कह रहा हूँ मंच पर कहीं पर भी रख दीजिए, वो कहाँ टेबल पर ही क्यों जा रहे हैं। ए भैया आप वहाँ कहाँ लेके चले जा रहे हैं, आप यहाँ चढ़ाइए ना मंच पे। मंच पर कहीं पर भी रख दीजिए ना, टेबल पर क्यों चले जा रहे हैं, आगे क्यों दबाव बना रहे हैं। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि मंच पर जहां पर भी जगह मिल रही है, गुरु भगवान बैठे हुए विराजमान है, तो फिर किस बात की आप अपने सांसारिक सोच से सोच रहे कि देखे तब चढ़ाएं। मंच पर रख दीजिए, टेबल पर ही ना जाए, वो गुरु भगवान आपके संकल्प को, आपके श्रद्धा और आपके भाव को देख रहे हैं कि मेरा भक्त कहां से कैसे किन किन परिस्थितियों में चल के आया है। आप ये ना सोचे टेबल पर फेंकिए मत, टेबल पर फेंकिए मत माला फूल। मैं भोजन करने जाओ वहां खड़े हो, जो माई लोग दर्शन कर लिए हैं भंडारे जान, दर्शन के बाद खड़ी ले रहे भोजन भी पहुंच गए। जाइए भाई लोग, आप सब लोग जाइए जो खंभे के पास खड़ी है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गुरु भगवान का आदेश है कि दर्शन करने के बाद जाकर के भंडारा चढ़ा प्रसाद लें। आज आप सब लोग जाओ, सब लोग जाओ, जो जो भी खाए हैं खंभे के पास जाइए, भंडारे में सभी प्रसाद दीजिए। भाई आप लोग खंभे क्यों बीच में, जो लोग दर्शन कर चुके हैं, प्रसाद चढ़ा चुके हैं अपने श्रद्धा भाव से समर्पण को, वो भंडारे में चल के प्रसाद में दवाई लगा।
शोरगुल मत करिए। आप उल्टा क्यों जा रहे हैं मंच के पास, इधर चला दीजिए ना। सब गुरु भगवान को ही चढ़ रहा है। Yeah.